नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रक्षित टंडन। आज हल्द्वानी के राज पैलेस में इनर व्हील क्लब ऑफ हल्द्वानी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में आज नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही इनर व्हील क्लब हल्द्वानी की महिलाओं ने बताया कि इनर व्हील क्लब समाज से जुड़े कार्यक्रम समय समय पर करता रहता है और साथ ही समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। इनर व्हील क्लब पिछले 40 सालों से पूरे विश्व में काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज हल्द्वानी के राज पैलेस में भी इनर व्हील क्लब ऑफ हल्द्वानी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं हमारी सहयोगी निधि बिस्ट की ये रिपोर्ट। तो अभी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है इनर व्हील क्लब ऑफ हल्द्वानी की प्रेसिडेंट सुनीता टंडन। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज इनर व्हील क्लब ऑफ हल्द्वानी के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम, किस तरह का ये कार्यक्रम था और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? हमारा इनर व्हील कार्यक्रम ग्लोबली एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेडीज के लिए पूरे संसार में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हमारी हल्द्वानी क्लब ऑफ इनर व्हील क्लब ऑफ हल्द्वानी का ये 25 साल पूरे हो गए, 26वां इंस्टॉलेशन देखा। तो इसमें हम लोगों का मेन रोल क्या होता है, हम फ्रेंडशिप और सर्विस, हमारा मोटो यही है। उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और हमारा क्लब समाज की सेवा करता है। तो मैम, आज इस कार्यक्रम में अध्यक्ष भी चुने गए? बिल्कुल, मैं नई अध्यक्ष बनी हूँ। बिल्कुल, हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जिससे समाज की सेवा होए। जैसे जुलाई के महीने में हम मेडिकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करेंगे, जिसमें लेडीज और गर्ल्स के लिए, वीमेन्स के लिए सारे एनीमिया, कैंसर से बचने के उपाय और दूसरे ब्रेस्ट फीडिंग के, ये सब पूरी सारी उनकी सहायता करेंगे और ओल्ड एज होम में भी जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।